हरिओम। ज्योतिष प्रवाह इस दैनिक कार्यक्रम में सिटी न्यूज पर मैं प्रकाश चंद्र सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। ज्योतिष पुराण की यह विद्या विद्वानों के लिए धन जैसी होती है, धन स्वरूप होती है। इसे नमन करते हुए सजयति सिंदूर वदन देव यात पाद पंकज स्मरणम वासर मनिरेव तमसा राशि शयति विघ्न नाम। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति पर प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोदगते कारणमीश्वर वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। आज दिनांक 31 अगस्त 2012 अधिक भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार सुकर्मा योग और शतातार का नक्षत्र है आज। विष्टिकरण और कुंभ राशि जिसके अधिपति और स्वामी है शनि महाराज। आज का दिन विशेष है, बुध का पूर्व में अस्त। जब जब बुध का अस्त होता है व्यक्तियों से गलतियां भूल भुलैया बहुत ज्यादा होती है। बुध के अस्त काल में बुध का विशेष दान करने का प्रयोजन होता है। आज के दिन जन्मे बालकों का नामाक्षर है गो सा सी और सु। आज के दिन के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। आज के दिन के लिए शुभ मंत्र है हनुमान जी का शनि का। शनि के मंत्र के साथ साथ हनुमान जी की दास मुद्रा में, वीर मुद्रा में और शूर मुद्रा में शनि को प्रणाम करने का प्रघात है। वह मंत्र इस तरह है, ओम नमो स्तनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरोरि बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। चलो शनि को नमन करने वाले इस दिव्य मंत्र को धारण करते हुए आज के दिन के लिए शुभांक है 4, शुभ रत्न है फिरोजा और शुभ धातु है कथिल। शुभ दिशा है आग्नेय जिसके अधिपति और स्वामी है अग्नेय और अधिपति और देवता है परशुराम। आज के दिन के लिए शुभ वृक्ष है इमली का वृक्ष और आज पढ़ने पठने और पूजा के लिए शुभ ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में बसे हुए सारे तत्व सिद्धांत राज धनियों और व्यापारियों के लिए बड़े ही शुभ फलदायी होते हैं। एक बार इस मार्कंडेय पुराण का दर्शन सबके लिए प्रार्थनीय और वंदनीय होता है। आज के दिन के लिए शक्तिदायी विचार है, जीवन में सारा सुख अनावश्यक को बाजू में रखने में होता है। जैसे हम नाखून काटते हैं, बाल को वक्त पे काटते हैं, नाक कान सब हर जगह का मैल निकालते हैं, वृक्ष को भी ऊपर उठाना है तो नीचे की शाखाएं हम छांटते हैं, वैसी तरह अनावश्यक विचार अगर हमारे मन में हो, हमारे दिमाग में हो तो हमारी गति हमारी प्रगति रुकी रह सकती है। इसलिए अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में जो भी अनावश्यक है उसे बाजू में रख के देखिएगा, आपको आप गतिवान होने का अनुभव प्राप्त होगा। चलो इस दिव्य विचार को धारण करते हुए जो इमर्शन का है कैसा रहेगा आज का दिन देखिए एक नजर में। मेष राशि, आज से आप सहजीवन का लाभ उठाने वाले हो। टूटा बिखरा परिवार फिर से जोड़ देंगे आप। आज आपको आपके रिश्तों का महत्व ध्यान में आ जाएगा और उसकी कीमत और कद्र भी ध्यान में आ जाएंगी। आज आपका भाग्य है 15%। वृषभ राशि, आज से आपकी सच्चे साथी की तलाश जारी रहेंगे। आज से आप आपके अकेलापन को दूर करने की कोशिश करोंगे। एक ऐसा विचार पथ आपको प्राप्त होगा कि आपसे कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। आज आपका भाग्य है 25%। मिथुन राशि, आज आपकी मान्यता बढ़ने वाली है क्योंकि किसी का विचार आपके अनुभव से जुड़ सकता है। आज मानो किसी ज्योतिष ने की हुई भविष्यवाणी सही आ गई हो। आपको किसी की बहुत याद आएंगी, किसी का विचार बहुत याद आएगा, कोई समय कोई काल कोई स्थल ऐसा याद आएगा कि उस जगह पर जाकर आप उस भूमि को नमन करना चाहोगे। आज आपका भाग्य है 35%।
कर्क राशि, आपकी जल्द अमीर बनने की योजना आपको कहीं का नहीं रख सकती है। अपने जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचे, सारे धननाश के योग है, सारी योजनाएं तुरंत आपको स्थगित करके रहना बहुत ही फायदेकारक रहेगा। किसी के लोभ और प्रलोभन में आना ठीक नहीं, अपने ज्ञान और अनुभव पर भी चलना बड़ा ही उचित रहता है, ऐसी सभी की सलाह है। सभी की सलाह मानने में फायदा है, लोभ और लालच से बचने में बहुत फायदा है। आज आपका भाग्य है 45%। सिंह राशि, आज आपको ब्रह्म दंड का भय सता रहा है। आपने की हुई सारी भविष्य की योजनाओं पर पानी फेर सकता है, क्योंकि कोई व्याधि आपके समय के अनुदान को और वरदान को रोक के रख सकती है। हो सकता है तुरंत किसी तरह का अपंगत्व आपको कई दिनों तक न सहना पड़े। अपने बोल चाल पर भी काबू रखना बहुत आवश्यक है। सारा वैभव एक तरफ रहेगा और आपके मनस्थिति और परिस्थिति एक तरफ रहेंगी। सफलता आपको वैसे ही भी स्वीकार कर चुकी है। आज आपका भाग्य है 55%। कन्या राशि, आज आपको आदर्श मिलेगा। आपकी ज्ञान की तृष्णा पूरी होने का दिन है आज। हर तरह की तृष्णा होती है, हमारी ज्ञान की तृष्णा भी होती है, हमें आदर्श मिलना चाहिए तृष्णा भी होती है, आदर्श हमें मिलना चाहिए एक तरह की अग्नि होती है। जिसे जीवन में सही आदर्श मिलते हैं वह उस आदर्श के अनुरूप अपना जीवन बनाते हैं। आज आपको विशेष आदर्श की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सभी दिशाओं पे चार चांद लगने वाले है। आपको तारीफें मिलेंगी, पुरस्कार मिलेंगे बहुत सारा, आपको एक धन आपके जीवन में अचानक प्राप्त होगा, आपके विचारों का सहर्ष स्वीकार होगा, हो सकता है वह किसी वांग्मय में भी तब्दील हो। आज आपका भाग्य है 65%। तुला राशि, समाज दंड से बचे, अपनों का सम्मान करे, नकली रिश्तों से कोई लाभ नहीं होता, अपने असली रिश्तों की कदर करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोई कमजोर से कमजोर आपका शक्ति हनन कर सकता है और आपको जीवन में एक सवाल खड़ा करके रख सकता है कि पराभव के लिए कोई उम्र, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा जरूरी नहीं रहती, वो भीतर भी गूंज अपनी बनाए रख सकता है। आज आपका भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, आज आपका किसी से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, किसी की जुबान आपको क्रोध में बदल सकती है, किसी के बातों के चुभन से आपका मन बहुत देर तक बेचैन रह सकता है और आपको एक थकान सी आ सकती है। अपने परिवार के स्नेह की ओर, उनके प्रेम की ओर ध्यान दे, अपने काम में मन लगाए, आपके लिए बड़ा ही शुभ दिन है आज का। आज आपका भाग्य है 85%। धनु राशि, आज आप राजदंड से बचे, कोई पुलिस मैटर, कोर्ट मैटर आपको अचानक सामना करने को लगा सकता है। किसी की जमानत लेना या किसी का गारंटर बनना आपके लिए उचित नहीं है। जिस बात का आपको ज्ञान नहीं, बिना पढ़े कोई व्यवहार न हो, ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करे और कोई भी कार्य अकेले में न करे, किसी को साथ लेकर करे तो बड़ा ही फायदा रहेगा। आज आपका किसी पर भी विश्वास बैठना बहुत मुश्किल रहेगा। आज आपका भाग्य है 10%। मकर राशि, आज आपको परिवार के बड़े सदस्य से सहायता प्राप्त होगी, भय मुक्त हो जाएंगे आज आप। मकर राशि, आज आपको सहभोजन का लाभ प्राप्त होने वाला है, कहीं आपको नजर न चुराना पड़े या सर झुकाना ना पड़े, ऐसी अवस्था भी आ जा सकती है, ऐसा मौका भी आ जा सकता है। अनावश्यक भय बढ़ेगा, कई दिनों तक बना रहेगा। आज आपका भाग्य है 20%। कुंभ राशि, परिवार के बड़े सदस्य से आपको सहायता मिलने वाली है, आज आप भय मुक्त हो जाओगे। किसी ने क्षमा कर देने से आपके लिए प्रगति का पथ फिर से दौड़ने के लिए खुला रह जाएगा। आज आपका भाग्य है 30%।
मीन राशि, आज आपको नौकरी मिलेंगी, स्वप्न पूर्ति के लिए पथ खुलने वाला है, लेकिन प्रथम आप वाहन खरीदोगे और नई सवारी आपके जीवन में नया आनंद और उल्लास से भर देंगी। आज आपको, आज आपका भाग्य है 40%। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। जिनका भी हमने अनुकूल बताया हो उनके लिए बधाई, उनका अभिनंदन, और जिनका भी हमने प्रतिकूल बताया हो उनके लिए अपने जन्म तिथि या नक्षत्र के अनुसार कोई भी व्रत उपवास या अनुष्ठान से, कोई सिद्ध रत्न या रुद्राक्ष से, कोई दिशा दर्शक सिद्धांतों से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आप हर संकट पे विजय प्राप्त कर सकते हो। चलो आज जन्मे नए बालकों को देते आशीर्वाद। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुल देवत चामुंडा रक्षन्तु बालक सदाहा। मैं प्रकाश चंद्र आप सभी दर्शकों से लेता हूँ इजाजत। देखते रहिएगा सिटी न्यूज। वैसे आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर भी मिल सकते हो। हमें मिलने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। हरिओम तत्सत। Shanti, Shanti, Shanti.